हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि सैमसंग गैलेक्सी A55 5G फ़ोन में आप लोग बैटरी सेविंग मोड को कैसे ऑन कर सकते हो। अगर आपके पास एक सैमसंग गैलेक्सी A55 5G फ़ोन है और इस फ़ोन में जो आपको बैटरी सेवर मोड को एक्टिवेट करना है, अगर आप लोग चाहते हो कि गाइस आपका जो बैटरी है वो सेव होने लगे, बैटरी जो बहुत धीरे धीरे ड्रॉप होने लगे आपके फ़ोन में, तो कैसे आप लोग अपने फ़ोन में बैटरी को सेव कर सकते हो, कैसे आप लोग बैटरी सेवर मोड को एक्टिवेट कर सकते हो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैटरी सेवर मोड को ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले जो अपने इस फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर से नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस डिवाइस केयर का। तो इस डिवाइस केयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा बैटरी का, तो इस बैटरी के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन जो है पावर सेविंग का, तो यहाँ पर इसको यहाँ पर से क्लिक करके ऑन कर देना। ऑन करते ही अभी आपका बैटरी सेव होने लगेगा। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के लिए देता हूँ गाइस। देख सकते हैं नॉर्मली अगर ये बंद रहेगा, नॉर्मली यूज़ करेंगे तो 4 आवर 48 मिनट मेरा फ़ोन चलेगा, लेकिन मैं अगर बैटरी सेवर मोड को ऑन कर दूंगा तो देख सकते हैं 6 आवर 17 मिनट यहाँ पर मेरा फ़ोन चलेगा। तो यहाँ पर से इंक्रीज हो चुका है गाइस टाइम, क्योंकि यहाँ पर से पावर सेविंग मोड को बैटरी सेवर को ऑन करने से आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बंद हो जाएगा, आपका जो स्पीड है CPU का वो 70% हो जाएगा, जो ब्राइटनेस है वो 10% कम हो जाएगा और 5G बंद हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने सैमसंग गैलेक्सी A55 5G फ़ोन में आप लोग बैटरी सेविंग मोड को इनेबल कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।